नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, लाडली बहना योजना 2023 दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 27 अगस्त 2023 को आज ही के दिन जैसा कि लाडली बहना बहनाओं का जो सम्मेलन था, लाडली बहना सेना का भी, लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं का भी, और दोस्तों सभी जगह लाइव प्रसारण में दिखाना था। तो जैसा मैंने कहा था कि आज से राशि जो है 1250 रुपये हो जाएगी, तो वो हो चुकी है दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट। और आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 250 रुपये आज के दिन ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और बाकी के 1000 रुपये जो हैं वो 10 सितंबर को ट्रांसफ़र होंगे। जी हाँ दोस्तों, 250 आज ही ट्रांसफ़र कर दिए राखी रक्षाबंधन को देखते हुए, और बाकी के जो 1000 रुपये रहेंगे, जो टोटल मिला के 1250 रहेंगे, वो 10 सितंबर मिलेंगे, और 10 अक्टूबर से फिर पूरे 1250 रुपये प्रत्येक पात्र महिलाएं जो हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड, उन सभी को मिलेंगे। ठीक है, और एक बड़ी खुशखबरी और बताने जा रहा हूँ कि अब रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो 450 रुपये में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब रसोई गैस सिलेंडर जो कि हमें बहुत महंगा प्राप्त होता था, वो 450 रुपये में अब सभी को प्रदान किया जाएगा। तो बहुत खुशखबरी की बात है, और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं आज के दिन। चलिए हम पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस पोर्टल से पूरी योजना का संचालन हो रहा है वो तो आप सभी को पता ही है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, cmlaadlibehna.mp.gov.in। आप बाकी के सारे वीडियोस मेरे पॉडकास्ट और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, उस पर हम एक नज़र मार रहे हैं। बहुत ही अच्छी घोषणाएँ हुई हैं, सब फायदे की घोषणाएँ हुई, तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सम्मेलन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा हो गई है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है अब 450 रुपये में मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की आज 27 अगस्त आज के दिन जो घोषणाएं की गई वो कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से देखना दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर अब 450 रुपये में दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिग अपडेट है दोस्तों कि जो रसोई गैस सिलेंडर है वो 450 रुपये में दिया जाएगा। लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए 250 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। तो जी हाँ दोस्तों, स्पेशली रक्षाबंधन जो कि 30 अगस्त को है, तो आज ही जो है 27 अगस्त को ये 250 रुपये प्रत्येक लाडली बहना योजना में जो पात्र महिलाएं उनको प्रदान कर दिए गए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और अब जो हम चर्चा कर रहे थे वो बात हो चुकी है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि ₹1250 दी जाएगी। इस राशि का वितरण दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से होगा। मतलब आज तो 250 रुपये दे दिए गए हैं, तो जैसा कि हम 1250 मान रहे थे, तो अब 10 सितंबर कितने आएंगे, 1000, क्योंकि 250 अभी ही दे दिए गए हैं। तो अगली 1250 रुपये की राशि कब आएगी, 10 अक्टूबर से। ठीक है, तो इस तरह से गणित है दोस्तों पूरा। इसके बाद हम पूरी घोषणाएं और भी जो हुई वो भी देख लेते हैं। लाडली बहना सम्मेलन भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा, पहला, आज एक संकल्प ले रहा हूँ, जिस वार्ड में 50% से अधिक महिलाएं कहेंगी कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर अगले साल शराब की दुकान का ठेका नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार पुलिस विभाग में अब तक महिलाओं को 20% आरक्षण दिया गया था, परंतु अब इसे बढ़ाकर 35% कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं की भर्ती होगी, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन की जितनी भर्तियां उन सब में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। राजनीतिक पदों पर जितनी भी नामांकित नियुक्तियां होती हैं उन सब में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं की बेटियों की पूरी फीस सरकार भरेगी। ये और महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों कि लाडली बहना योजना की जो हितग्राही हैं उन महिलाओं की बेटियों की पूरी फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत शामिल किया जाता है। यदि कोई महिला अपना काम धंधा शुरू करना चाहती है तो बैंक से बिना ब्याज का लोन मिलेगा। गांव में जिन महिलाओं के पास रहने के लिए प्लाट नहीं, उन्हें फ्री में प्लाट भी दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा दोस्तों कि गांव में जिन महिलाओं के पास रहने के लिए प्लाट नहीं है उन्हें फ्री में प्लाट दिया जाएगा। शहर में निर्धन महिलाओं को छोटे छोटे घर बनाकर दिए जाएंगे। यह भी बहुत अच्छा है कि शहर में जो निर्धन महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको छोटे छोटे घर बनाकर दिए जाएंगे। प्लाट और मकान का आवंटन महिलाओं के नाम से ही होगा। जो प्लाट और मकान मिलेंगे वो महिलाओं के नाम से ही होंगे।
रसोई गैस सिलेंडर रुपए 450 में दिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबर है दोस्तों, प्रत्येक महिलाओं के लिए भी, प्रत्येक घर के लिए, कि रसोई गैस सिलेंडर जो है अब 450 रुपए में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि रुपए 1250 दी जाएगी। इस राशि का वितरण अब कब होगा? 10 अक्टूबर 2023 से होगा। तो सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स दोस्तों आज हमने देखी, और भी जो भी नई अपडेट आती है, आप सभी महिलाओं को, जितने भी लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्र महिलाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, ठीक है, और सभी महिलाओं को शुभकामनाएं, क्योंकि जो है सिलेंडर भी 450 रुपए में कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात दोस्तों, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो वो हो चुका है, और अब जो राशि है वो 1250 रुपए कर दी गई है, ठीक है, लाडली बहना योजना की। दोस्तों इस तरह हर योजना की जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या ज्वाइन के जरिए UPI के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।